लगभग पूरे विंटर में फ्लावरिंग करने के बाद अब मेरे पिटूनिया के पौधे में फ्लावर्स कम हो रहे हैं और पौधे में सीड पॉड बनना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सीड पॉड में से सीड्स को हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और अगले साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन कलियों से सीड बनने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले पौधे में कुछ इस तरह के कलियाँ आते हैं, उसके बाद ये बड़े होने के बाद पौधे में फ्लावर खिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वो फ्लावर धीरे धीरे गिर जाता है, कुछ इस तरीके से मुरझा जाता है और गिर जाता है। उसके बाद पौधे में कुछ इस तरीके का एक सीड पॉट तैयार होता है। ये अभी ग्रीन कलर का है और ये मैच्योर नहीं हुआ। उसके बाद ये धीरे धीरे मैच्योर होकर ब्राउन कलर का एक सीड पॉट बन जाता है। उसके बाद ये सीड पॉट फट जाता है और इसके अंदर जो सीड बने हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि आप इस सीड पॉट में देख सकते हैं। काफ़ी सारे सीड्स पत्तियों के ऊपर भी लगे हुए हैं। इस स्टेज से पहले हमें सीड पॉट को कलेक्ट कर लेना होगा और सारे सीड्स को हार्वेस्ट कर लेना होगा। अब हम देखते हैं हम पौधे से किस तरीके से सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कितने सारे सीड पॉट अपने पौधे में लगे हुए हैं। हम धीरे धीरे कैंची की मदद से कुछ इस तरीके से इसको काट देंगे। यहाँ पर मैं एक और काट के आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भरपूर सीड्स है। सीड्स को हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने छोटे छोटे सीड्स यहाँ पर गिर रहे हैं। इसके ऊपर बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको हम कुछ इस तरीके से हटा देंगे। सीड्स काफ़ी छोटे हैं, इसीलिए इनको हटाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब हम इन सीड्स को एक पॉट में कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इसीलिए ये हाथ में चिपक सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सीड्स का स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सीड्स हार्वेस्ट कर लिए हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर मिलाएंगे ताकि इन सीड्स में किसी भी फंगस का अटैक ना हो। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर का ही इस्तेमाल करूँगा और सीड्स के साथ इसको कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला दूँगा। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर ना हो तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सीड्स के साथ फंगिसाइड पाउडर अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट लेंगे। अब इस पैकेट में हम सीड्स को अच्छी तरीके से भर लेते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब हमारा सीड स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो। आप पिटूनिया के सीड्स को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।